पितरों की बेटा पूजा करिए, पितरों आज आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो पितरों की शांति करवाएं। आपको बेटा आने वाली अमावस्या तिथि को गौशाला में जाके कम से कम बेटा 100 गौओं को हरा चारा खिला के आना है। ये अपना बेटा नियम याद रखना, इस नियम को भूल नहीं जाना। रोजाना बेटा घर में सुबह 3 रोटी बनाया करो, 3 रोटी बनानी है बेटा रोजाना, इसको कभी छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा चीनी, थोड़ा घी डाल के उसके ऊपर बेटा 1 चम्मच मलाई रखकर एक रोटी बेटा जाके तोड़ कर कौवों को डाल दे, एक तोड़ कर कुत्तों को डाल दे, एक तोड़ कर गाय को डाल दे। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को कबूतरों को रोज डालना है। रात्रि काल में थोड़ा सा दूध कुत्ते को रोज पिलाना है। हर शनिवार को 8 काली साबुत मिर्च आपने मंदिर में जाके रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आनी है। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, इस मंत्र का पाठ करना जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। रात को सोने से पहले एक लौंग अपने सीधे हाथ में रखकर आपको मुट्ठी बंद करनी है, अपने घर की रसोई में खड़े हो जाना है और 5 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र बोलना। ये मंत्र है तफी फुल मर्दी, तफी फुल मर्दी, तफी फुल मर्दी। उसके बाद उस लौंग को गैस के चूल्हे पर रखकर जला देना।